वेलकम बच्चों। वैसे तो हमारा जो चैप्टर है सेट्स, वो अभी कंप्लीशन पे आया हुआ है। एक्चुअली उसके जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स भी हमारे हो गए, ठीक है। उसमें जो एक्सरसाइजेस थी वो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स भी हम यहाँ पर क्या करें पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हमारे प्रॉब्लम सेट की, तो हम प्रॉब्लम सेट में भी एंट्री कर चुके हैं। और मैंने आपसे कहा था जो जो प्रॉब्लम सिमिलर होते हैं, एक समान होते हैं, वो प्रॉब्लम आप एक्सरसाइज के पहले जो सॉल्व एग्जांपल का सेक्शन होता है वहाँ से, और खुद प्रॉब्लम सेट में जो प्रॉब्लम्स होते हैं आप उसको हमारे से पहले सॉल्व करना शुरू कर दो, ताकि आपकी वहाँ पर क्या हो जाए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है हम तो यहाँ पे लेते ही है, तो आपको वहाँ पर टैली करने का मिल जाता। अगर आपको नहीं आता तो आपके वो जो डाउट्स है वो वहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। सो जैसे हमारे क्लास का तो यही फंडा है कि पहले आप करके देखो, उसके बाद में नहीं समझा तो यहाँ पर चेक कर लो, ठीक है। सो जो हमारे लास्ट टाइम में हमने जो क्वेश्चन देखे थे, 5 क्वेश्चन तक हुए थे हमारे, 6, 7, 8 आज हम देखने वाले, और उसके नेक्स्ट क्लास में हमारे बचे हुए 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहां पर देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अब इसको बराबर समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे छोटे मोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलो तो यहां पर हमारे पास है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बच्चों, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वहां पर एक चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना, यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें ओनली ये वर्ड होना चाहिए, ठीक है। यानी इन अ क्लास, ठीक है, किसी क्लास में 8 स्टूडेंट आउट ऑफ 28 है ना, तो यहाँ पर आपके पास में क्या चाहिए, ओनली 8 स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या कहेंगे हम, ओनली 8 स्टूडेंट आउट ऑफ 28 हैव अ डॉग एज देयर पेट एनिमल एट होम, यानी घर पे हमारे पास में जो पेट एनिमल्स होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, ठीक है। सो उसमें से सिर्फ 8 बच्चे ऐसे हैं, ओनली 8, यहाँ पे ओनली चाहिए, 28 की पूरी बैच है समझो, पूरे क्लास में 28 बच्चे हैं, उसमें से सिर्फ 8 बच्चे ऐसे जिनका जो पेट एनिमल है वो क्या है, डॉग है। और यहाँ पर ओनली 6, यहाँ पर क्या कहेंगे, ओनली 6 स्टूडेंट हैव अ कैट एज देयर पेट एनिमल, ठीक है। यानी 8 बच्चों के लिए सिर्फ डॉग पेट एनिमल है, और 6 बच्चों के लिए सिर्फ, यानी ओनली 6 स्टूडेंट्स आर देयर हु आर हैविंग द कैट एज देयर पेट एनिमल्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो सबसे पहले वर्डिटिव प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सेट तैयार करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले सेट तैयार कर लेते हैं। सो चलो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ आंसर्स की, ठीक है, आंसर। सो लेट, यहाँ पर दो सेट तैयार करते हैं, समझो सेट ए है, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे हम, स्टूडेंट्स हैविंग डॉग, ठीक है, स्टूडेंट हैविंग डॉग, जिनके पास में डॉग है वो, ठीक है। दूसरा ले लेते बी यहाँ पर, सो बी लेते यहाँ पर, स्टूडेंट्स हैविंग कैट, ठीक है, जिनके पास कैट है एज देयर पेट एनिमल, ठीक है। फिर बच्चों उसके बाद में यहाँ पर जो ओनली का फंडा है, ठीक है, ये ओनली को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 स्टूडेंट है आउट ऑफ 28, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है ये ओनली है, तो ओनली जब है तो हम डायरेक्ट यानी आप नहीं लिखना, डायरेक्ट यानी नहीं लिखेंगे, या फिर डायरेक्ट एन भी आप डायरेक्ट नहीं लिखना, ओनली के लिए थोड़ा सा बराबर अच्छे से काम करेंगे। यहाँ पे देखो क्या था आगे में, 10 स्टूडेंट हैव डॉग एंड कैट बोथ, 10 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास डॉग भी है और कैट भी है, बोथ है, कॉमन है। तो मैंने आपको बताया था क्या था वो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, जब भी बोथ आए, कॉमन शब्द है, तो वहाँ पर आप इंटरसेक्शन लेते हो। सो देर आर 10 स्टूडेंट हु आर हैविंग डॉग एज वेल एज कैट एज देयर पेट एनिमल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, यहाँ पर यन ए और यन बी की बात करते हैं। सो बच्चों मैंने ओनली के लिए आपको याद अगर होगा, सो यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा लास्ट में अगर हम जाते तो ओनली के लिए मैंने आपको ये पॉइंट लिख के दिया था, ओनली इज इक्वल टू ओरिजिनल माइनस इंटरसेक्शन, ओनली इज इक्वल टू क्या, ओरिजिनल माइनस इंटरसेक्शन। तो चलो इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर हमारे आज के प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ओनली इज इक्वल टू क्या कहा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओनली इज इक्वल टू क्या है, ओरिजिनल माइनस इंटरसेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम डॉग के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात करेंगे हम, डॉग के लिए, ठीक है। सो 8 बच्चे स्टूडेंट है ओनली वाले, तो ओनली कितने हैं, 8। ओरिजिनल क्या है हमारे पास में, एन बी लेते हैं, ठीक है, सॉरी एन ए, ओरिजिनल कौन हो जाएगा हमारा, एन ए, ठीक है, माइनस इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, 10 है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो जाएगा, तो 10 जब इधर आएगा तो 8 + 10 = 18 हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। यानी क्या होगा यहाँ पर, एन ए जो है, एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली कितने हैं, तो 8 ओनली, यानी क्या है, ओनली 8 स्टूडेंट हैविंग डॉग,
लेकिन कॉमन वाले को ऐड करेंगे। देखो जब ये इधर आएगा ना तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। जैसे ओनली निकालने के लिए ओरिजिनल में से इंटरसेक्शन को माइनस करते, तो ओरिजिनल निकालने के लिए ओनली में आप इंटरसेक्शन ऐड कर दो। सो आपके पास 8 है प्लस इंटरसेक्शन 10 है, इसलिए आपका जो एन ए हो जाएगा दैट विल बी 18। उसी प्रकार हमारे पास में एन बी जो है, एन बी निकालना है यानी ओरिजिनल निकालना है। सो एन बी यहाँ पर क्या होगा, एन बी होगा, ठीक है, माइनस इंटरसेक्शन तो वही है, लेकिन अब बी, बी यानी कैट है, कैट के लिए ओनली कितने हैं तो 6, यहाँ पर इधर ट्रांसफर कर दो। सो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 10 मीन्स इट विल बी 16, ठीक है, ये ध्यान में रखो। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में फार्मूला है, फार्मूला कौन सा है वो चेक कर लो, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखो एन ए और एन बी 8 और 6 नहीं हुए, क्योंकि हम वहाँ पे ओनली ओनली वर्ड चाहिए, ओनली के अनुसार काम करेंगे। चलो तो यूनियन हमारे पास है ही नहीं, ए कितना है, सो ए में है हमारे पास 18, बी में हमारे पास है 16 माइनस इंटरसेक्शन है हमारा 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 34 माइनस 10, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 34 माइनस 10 यहाँ पर देखो तो ये बन जाएंगे हमारे पास में 34 माइनस 10 बनेंगे 24, ठीक है। तो यन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी है, तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता, आइदर और, यानी जिनके पास डॉग है या फिर कैट है, ठीक है। सो यहाँ पर लिख देंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स Having dog और cat, जिनके पास dog है या फिर cat है, so ये क्या हो जाएगा, हमारा union का part होगा, ये हमारा क्या होगा, union, and that came to 24, कितना आ गया वो 24 आ गया। लेकिन अब बच्चों यहाँ पर देखो question क्या पूछा, then how many student do not have a dog or cat, ठीक है। देर आर एक्चुअली 20 स्टूडेंट टोटल, ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट है लिख देते, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, तो चेक करो टोटल स्टूडेंट्स आर, दे आर 28, ठीक है, कितने हमारे पास 28 है। अब उसमें से अगर बात करते बच्चों यहाँ पर, सो आप ही चेक कर लो, ठीक है। सो टोटल स्टूडेंट 28 है और जिनके पास डॉग या फिर कैट है ऐसे कितने, 24 है, टोटल 28, और डॉग बोलो या फिर कैट बोलो या फिर दोनों जिसके पास ऐसे सिर्फ 24 है, इसका मतलब फिर भी ये नंबर मैच नहीं कर रहा, मतलब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास डॉग भी नहीं है और कैट भी नहीं है। एंड एक्चुअली द क्वेश्चन इज दैट, ठीक है, वही क्वेश्चन है कि हमको ऐसे बच्चे निकालना जिनके पास डॉग और कैट नहीं ही है, ठीक है, यानी यहाँ पे लिखेंगे सो, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल देते, सो क्या बोलेंगे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not have क्या नहीं उनके पास डॉग और कैट as their pet animal, ठीक है। तो ध्यान में रखना टोटल कितने स्टूडेंट है, तो 28, जिसमें से जिनके पास है ऐसे कितने हैं 24, तो ये 24 को निकाल दो, सो बचेंगे 4, तो 4 से बच्चे हैं जिनके पास में क्या नहीं है, डॉग या फिर कैट नहीं, हो सकता उनके पास कुछ और हो, यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा ध्यान में रखना आप, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए हमारे पास में, ओनली ये शब्द जब तक नहीं रहेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने में तकलीफ होंगे, ठीक है। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझो, और इसी का आप स्क्रीनशॉट अगर निकाल देते हो तो डायरेक्ट नोट्स आप लिख सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए मैं रुक जाता ताकि आप इसको पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसका आप काम कर सके, ठीक है, चलो कर लो पट से, ओके। तो चलो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ी मार्जिन लाइन बना दूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए लिखने में, ठीक है। चलो तो यहाँ इसको नीचे ले लेते हैं हम। अब आंसर देखो क्या कहा है उन्होंने, सबसे पहले उसको समझो, रिप्रेजेंट द यूनियन, ये जो सेट्स आपको दिए, जैसे पहले क्वेश्चन में ए और बी दिया, इनका यूनियन आपको बताना है कैसे, वेन डायग्राम से, ठीक है। सो चलो पहले के लिए काम करते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर ए क्या दिया है, चलो देख लेते, ए है हमारे पास 3, 4, 5, 7, ठीक है, ये है। उसके बाद में देर इज बी, इट कंटेन्स 1, 4, 8, ठीक है।
अब बच्चों इसको ना वेन डायग्राम से बताना है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम, ठीक है। सो वेन डायग्राम है तो बच्चों ए और बी का क्या करना है, यूनियन बनाना है हमको। तो यूनियन के लिए क्या करेंगे हम, दो सेट्स को, ठीक है, हम इस तरह से बता देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखो ऊपर में चलते हैं, देखो तो पहले के लिए हम नाम देखो, ये हमारे पास में समझ लो ए है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है ए, और दूसरा निकालते यहाँ पर हमको थोड़ा इसको बताना पड़ेगा, ये समझो क्या है बी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा भाई ऊपर कर लो, ठीक है। सो इसको नाम देते बच्चों क्या ए, और इसको नाम दे देते बी, ठीक है। अब इनमें देखो सबसे पहले जो कॉमन पार्ट है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना बच्चों ये कॉमन पोर्शन है, तो पहला काम कौन सा है, कॉमन पोर्शन। तो इन दोनों में 3, 4, 5, 7 है, 1, 4, 8 है, तो कॉमन सिर्फ 4 है, कॉमन सिर्फ 4 है हमारे पास में 4, तो आप यहाँ पे 4 बता दो, ठीक है। फिर इसमें से कौन बचा, 3, 5, 7, 1, 2, 3, ये होगा 3, यहाँ पर लिख दो 5 और ये 7। इसमें से 4 जाने के बाद कौन बचेगा, 1 और 8, यहाँ पे 1 लिखेंगे और 8 लिखेंगे, ठीक है, हो गया। अब इसको ना क्या कर दो, अपन थोड़ा सा इससे बता देते, ठीक है। सो यहाँ पर मैं थोड़ा कलर ले लूँ यहाँ पर, ठीक है। सो आप यहाँ इस तरह से लाइन से आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है दिखने को होना, आप इस तरह से, ठीक है, बता दो। और यहाँ पर हम बता देते, मान लीजिए कि मैं इस तरह से बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, उनका यूनियन हो जाएगा, रेखा खंड में। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो क्या करना है, सबसे पहले दो सेट निकाल दे, एक को नाम दिया ए, एक को नाम दिया बी। उसके बाद जो सबसे बीच में हुआ, ये देखो ये जो पोर्शन है ना ये कॉमन वाला पोर्शन है, और बाकी बच्चे भी साइड में लिख देना, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं यहाँ पर क्या है, देखो। सो इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो यहाँ पी और क्यू है, सो पी कंटेन्स व्हाट, तो पी में है हमारे पास ए बी, इट इज सी ई एंड एफ है, और क्यू में हमारे पास कौन है उसको चेक करो, इट इज एल एम एन ई एंड बी है, ये ले लेते हैं। अब इसके लिए वेन डायग्राम निकालना है, तो पहले सबसे पहले एक क्या करो ये निकाल दो, उसके बाद फिर से एक क्या करो आप यहाँ पर, और एक सेट निकाल दो। यहाँ पर करना क्या है, ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पी नाम देना है, यहाँ क्यू नाम देना है। अब इनमें जो कॉमन है वो देख लो, ए बी सी ई एफ एल एम एन ई बी, देखो ई और बी, ई और बी ये दोनों कॉमन है, यानी हमारे पास दो एलिमेंट कॉमन है, तो एक यहाँ पे बता दूँ मैं, एक यहाँ पर, इसको नाम दे देते समझो बी, और ये नाम है समझो ई। अब इसमें से देखो वही जो कॉमन हमने था वो कॉमन वाले यहाँ पे ले लिए, ठीक है। चलो अब क्या है, यहाँ पे चेक करो, तो ई और बी हो गया, अब बचा कौन, ए सी एफ, ए सी एफ यहाँ पे लिखेंगे ए, ये हो गया सी, और यहाँ पे समझो एफ, इधर में ई और बी गया तो एल एम एन, ये समझो एल, ये एम है और ये एन है, ठीक है। और प्रोपोर्शन आपको बताना पड़ेगा, तो पोर्शन को आप अच्छे से बता दो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ना ये लाइन से बता देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास में ये पूरा पोर्शन लेना है, ये जो हम ऐसे शेडेड कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हमको ये पूरा पोर्शन शो करना है, ठीक है, ये पूरा मिलकर हमारा क्या होगा, यूनियन होगा, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से बता रहे हैं, ये ध्यान में रखो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है थर्ड वाला, देखो इतना पोर्शन मैं रख लेता यहाँ पर, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन थर्ड में आपको, एक्चुअली आपको ना क्वेश्चन थर्ड में सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो एक्स क्या है वो देख लेते, ठीक है, एक्स है, एक्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स, कौन है एक्स, सच दैट एक्स क्या है, तो देखो पढ़ो, इज ए प्राइम नंबर, इट इज़ ए प्राइम नंबर, ठीक है। आगे क्या है, बिटवीन, आप यहाँ पे बिटवीन को मैं शॉर्ट में लिखता 80 एंड 100, 80 और 100 के बीच में जो प्राइम नंबर है बच्चों वो। सो अब इसको ना मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, किसके बीच में प्राइम नंबर चाहिए, 80 और 100 के बीच में, तो 80 और 100 के बीच में प्राइम आएगा तो वो आ जाएगा 83, उसके बाद 87, उसके बाद 89 आएगा आपका, ठीक है, ध्यान में रखना जो जो प्राइम है उसी को लिखना है, उसके बाद में 93 आएगा आपका, उसके बाद 97 है आपके पास में, ठीक है, तो आप इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है, 83, 87, 89, 93, 97, ठीक है, आप इसको चेक करना बराबर। आप बोलेंगे सर 91, नहीं वो 13 के टेबल में आता, तो जो प्राइम है उसको लिखना आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लेते हैं y, तो y क्या कह रहा है वो, देखो y इज़ द सेट ऑफ y सच दैट y इज़ y इज एन ऑड नंबर बिटवीन 90 टू 100 इज़ y इज
एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर किसके बीच में तो चेक कर लो, नंबर बिटवीन कौन है ये 90 और 100 के बीच में जो भी ऑड नंबर है आपको ले लेना है यहाँ पर। सो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या होगा तो चेक करो, ऑड नंबर 90 और 100 के बीच में तो 91 होगा, 93 होगा, 95 होगा, 97 होगा और 99 होगा, ये ध्यान में रखो, ठीक है। चलो हो गया, अब इसका भी हमको क्या करना है, यहाँ पर इसी तरह से यूनियन बताना है, ठीक है। तो यूनियन में डायरेक्ट यहाँ पर बता दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक इस तरह से सेट निकाल दो, उसके बाद फिर से क्या कर लो, यहाँ पे इस तरह से सेट निकाल दो, एक को मैं नाम दे देता हूँ x, एक को नाम देता हूँ मैं y। पहले तो इसमें कॉमन चेक करो, देखो इसमें कॉमन कौन है, तो ये 93 नज़र आ रहा और 97 नज़र आ रहा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये 93 और ये 97। अब बचे हुए तो 93 97 गए तो 1 2 3 4 83 87 और ये 89, ठीक है। इधर में कौन कौन गया देखो, 93 97 गए तो बचेगा कौन, 91 ही है, 93 तो गए, 95 लिखेंगे और 97 भी गए और यहाँ पे लिखेंगे 99। और जैसे मैंने कहा अभी इसके पहले आपको, ठीक है, सो इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से बता दो क्योंकि हमको यूनियन बताना है, तो जो शेडेड पोर्शन है वो पूरा हमारा क्या होगा, यूनियन का पार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से आप इस तरह से बता दीजिए, ठीक है, आप जिस तरह से भी उसको शेडिंग करना चाहेंगे, यानी वो लगना चाहिए कि हमारे इसमें आना है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो पोर्शन है हमारे पास में, ठीक है। देखो ये हमारा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का ये आंसर, ठीक है, इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। अब इसका भी क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके आप ये कर सकते हो और उसके बाद में आप अच्छे से उसका नोट्स लिख लेना, ठीक है। चलो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है और इस क्वेश्चन नंबर 8 को हमको क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से देखना है, ठीक। यहाँ से फिर से मैं क्या कर लेता हूँ, मार्जिन लाइन निकाल लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी साइड में सरका दो, ओके। इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, सॉल्व करने में मुझे आसानी हो जाएगी, ठीक। यहाँ हेडिंग डाल दी मैंने आंसर्स के। अब देखो यहाँ पर क्या है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स। लास्ट टाइम बच्चों इसके पहले इसके जैसा हुआ है, जहाँ पे हमारे पास में मध्य प्रदेश, भोपाल, इंडिया, महाराष्ट्र, पुणे, इस तरह से हमारे पास में क्या थे, रेसिडेंस ऑफ जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह दिया था वो दिया था, और वहाँ पे सबसेट रिलेशन लिखना था। यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक्स क्या है, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल, एस है सेट ऑफ ऑल स्क्वेयर्स, एस वी है सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, वाई सेट ऑफ ऑल रोम्बस है, एंड टी सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सबसे बड़ा क्या है कि ये एक्स है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल के टाइप है, ध्यान में रखो। यानी डायरेक्ट हेडिंग डाल देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर हमारे पास में हेडिंग डालेंगे, क्या बोलेंगे हम, सबसेट रिलेशंस, ठीक है, सबसेट रिलेशंस बिटवीन गिवन सेट्स, ठीक है। आप एक एक करके लिख सकते हैं, जैसे x जो है, x ये क्वाड्रिलेटरल, ये सबका क्या होगा, ये सबका यानी सबसे बड़ा होगा, यानी बाकी सब उसके क्या हो जाएंगे, टाइप्स। जैसे स्क्वायर किसका टाइप है, ट्रायंगल का टाइप है क्या, स्क्वायर नहीं, क्वाड्रिलेटरल का है। ये रेक्टेंगल है किसका है, क्वाड्रिलेटरल का, रोम्बस बोलो, पैरेललोग्राम बोलो, ये किसके, काइट, यानी कुछ भी अगर आता और, तो ये सर्कल के थोड़े टाइप है, ठीक है, ये ट्रायंगल के थोड़े टाइप है, ठीक है, मतलब कोई इस और चीज़ के नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल के। इसलिए ये जो एस वी वाई टी, ये सब किसके सबसेट होंगे, एक्स के। सो राइट हियर, एस इज द सबसेट ऑफ एक्स, दूसरा वी इज द सबसेट ऑफ एक्स, तीसरा वाई इज द सबसेट ऑफ एक्स, फिर है हमारे पास टी इज द सबसेट ऑफ एक्स, हो जाएंगे ये। चलो अब हम इसको सोचते हैं, एस को, ठीक है। तो एस क्या है, स्क्वेयर है, यस क्या हमारा, स्क्वेयर है। अगर देखा जाए ना तो स्क्वेयर, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको अभी तो निकाल के बता सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैंने ये निकाला, ये आपके लिए क्या हो गया बच्चों, ये स्क्वेयर है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये रेक्टेंगल का पार्ट है, ठीक है, आप इसको रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होती है, 90 में एंगल्स होते हैं, तो ये तो है, यानी हमारा स्क्वेयर रेक्टेंगल हो सकता। यानी यहाँ पर बात करते तो हमारा जो एस है यानी स्क्वेयर, वो किसका ये हो जाएगा, रेक्टेंगल का पार्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर आप वी लिख सकते हो। उसी प्रकार अगर इसी यस की बात करते हैं तो ये और सबसेट है, रोम्बस, ठीक है। अब रोम्बस क्यों, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होती है, तो स्क्वेयर के भी चारों साइड इक्वल होती है, यानी ये हमारा रोम्बस भी, यानी ये वाई का भी क्या होगा, सबसेट। ऊपर से इसी यस की अगर मैं बात करूँ तो ये जो स्क्वेयर है,
इसका अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ठीक है, और इक्वल भी होती है, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम भी हो गया, यानी यस इज द सबसेट ऑफ टी ऑल्सो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यस का सोचा, उसी प्रकार हम वी का सोचते हैं। अब वी क्या है? रेक्टेंगल है, वी क्या है हमारा? रेक्टेंगल है। सो वी की अगर मैं बात करूँ तो देखो, अब रेक्टेंगल जो है वो रेक्टेंगल को आप स्क्वेयर नहीं बोल सकते, स्क्वेयर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को स्क्वेयर नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लूँ तो ये हमारे पास में रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, तो आप इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं लेकिन इसको आप स्क्वेयर नहीं बोल सकते। हाँ, ये बात है, जैसे इसको पैरेललोग्राम बोला, ये भी पैरेललोग्राम होगा, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, जो प्रॉपर्टी किसके? पैरेललोग्राम की। इसका मतलब वी हमारे वाई का सबसेट नहीं होगा लेकिन वो टी का सबसेट होगा, यानी सॉरी यहाँ पर ये हो गया, ये टी का सबसेट होगा, यानी वी, वी यानी कौन? रेक्टेंगल इज द सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम, यानी वो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का टाइप है, ठीक है। उसी प्रकार फिर हमारे पास में कौन है? वाई। तो वाई हमारे पास क्या है? सबसेट है। तो किसका? देखो, अगर मैं यहाँ पे रोम्बस निकालूँ तो जो स्क्वेयर है वो रोम्बस हो सकता है, स्क्वेयर हमारा रोम्बस होगा, लेकिन रोम्बस स्क्वेयर होगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे लिए उसके पास, उसके लिए डायग्राम शायद इसको हम ये देखो, ये जैसे हमारे पास, ये मैं रोम्बस की बात करता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से रोम्बस है, ठीक है, ये रोम्बस है। तो जो स्क्वेयर है, स्क्वेयर के भी चारों साइड इक्वल होती है, इसके भी चारों साइड इक्वल है, ठीक है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? रोम्बस। लेकिन इसमें स्पेशल है कि इसके ऑल एंगल्स 90 होते हैं, इसके ऑल एंगल्स 90 क्या नहीं है, यानी आप स्क्वेयर को रोम्बस बोल सकते हैं, रोम्बस को स्क्वेयर नहीं बोल सकते। इसका मतलब हमारा जो वाई है रोम्बस, ठीक है, अच्छा पैरेललोग्राम हो सकता है क्योंकि इसमें भी अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल और इक्वल, इसलिए वाई भी सबसेट हो जाएगा किसका? हमारे टी का, ये ध्यान में रखो, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वेयर है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये हमारे पास रोम्बस है, ठीक है। अगर आपको इसको इधर साइड में लिखना है तो आप इधर साइड में लिख कर यहाँ पे शो कर सकते हो, तो ये हमारे पास में है आपके पास, ठीक है। इसको बराबर आप यहाँ पर ये कर लो, ये हमारा स्क्वेयर हो गया, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये हमारे पास में क्या है? रोम्बस है। इसको बराबर ध्यान में रखना, और ये सभी के सभी हमारे क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स है। तो इस तरह से वी विल अरेंज द सबसेट रिलेशन हियर, ठीक है। तो बच्चों ध्यान में रखना, यहाँ पर ये इस तरह से हमारे पास में है। इसके आगे में भी और तीन क्वेश्चन है, ठीक है, तीन देखो, ये है 9, 10 और 11 ऐसे। तो इसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि आप पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको आएगा ही आएगा, और जहाँ पर अगर ऐसा लगता है आपको कि थोड़ा बहुत डाउट है तो हम तो लेने वाले, वहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा करके हम क्या करेंगे, हमारे पूरा सिलेबस को कवर करेंगे, जितना भी हमारा सिलेबस है, और हो जाएगा, ठीक है। बस इसके लिए कैसे, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है कि आप वहाँ पे पढ़ाई करो, जो हमारे रिकॉर्डेड शेड्यूल किए हुए जो वीडियोस है आप उसको बराबर देखिए। देखो करना क्या है कि जैसे भी जिस समय में आपको वीडियोस आते हैं उस समय में पहले वीडियो को देखो, उसके बाद में आधे पौन घंटे के लिए आप उसके नोट्स लिखो, थोड़ी गैप लेकर फिर उसी नोट्स में से आप पढ़ लो, यानी पूरा बराबर हमारे 3-4 घंटे में जो भी उस दिन का है वो पूरे सब्जेक्ट्स का हमारा स्टडी हो जाता है। मैथ्स का होता है, इंग्लिश का होता है, साइंस का होता है, जो भी सब्जेक्ट आपको आपके घर में वीडियो के जरिए मिल रहे हैं, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।